जब हमने ये सुना कि अभी जो पीटीएम जो है पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रही है एग्जीबिशन, तो पहले तो ये जहन में आया कि एटीएम जो दुबई वगैरह में हम जाते रहे हैं, हमेशा दो तीन बार जा चुके हैं, इसको देखा है, तो ये लगा कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जब ये लगा कि नहीं, पाकिस्तान में कंपनी है जो ये ऑर्गेनाइज कर रही है, लोकली मैनेज कर रही है ये, तो बहुत अच्छा लगा और हमने डिसाइड किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखें, दोनों के कॉमन नेम तो ये पी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कि एक टूरिज्म के हवाले से हम बिल्कुल ही रिलेटेड हैं ट्रैवल इंडस्ट्री से, और लास्ट 35 to 37 ईयर्स तक इससे हम जो है रिलेटेड हैं। तो हमेशा यही देखते रहे कि यार कहीं बाहर से कोई कंपनी आ रही है और ऑर्गेनाइज कर रही है, तो जब हम देखते हैं कि हम अपनी कंपनी को बूस्ट कर सकते हैं और जो सारा बिजनेस हम एक अपनी ही कम्युनिकेशन से या अपने ही एडवर्टाइजमेंट लेवल से चला रहे हैं, और एक एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमें कि भाई एक जगह से सारी एयरलाइन है, होटल मैनेजमेंट कंपनी है, हॉस्पिटलिटी अरेंजमेंट है सारे, तो वो अगर एक जगह आ जाती हैं तो हमें मतलब ज़ाहिर बात बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको अवेल करना चाहिए। सारी बात है, जब हर चीज़ एयरलाइन है, एक बाहर के जो हमारे सप्लायर भी आते हैं यहाँ पर, तो एक जगह बैठकर ये बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो सकती हैं कि भाई जो है ना, हम बाद अवत ये होते हैं कि हम एक ही सिस्टम से चल रहे होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हमारे पास, तो मतलब ये बिज़नेस को एक अच्छा ही बूस्टअप बनेगा। ये सामने तो चीज़ नज़र आ रही है कि भाई जो है ना इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, लेकिन अब देखें कि भाई किसी ज़माने में एयरलाइन एक फ्लाइट चलाती थी दिन में, अब दिन में 4 to 7 फ्लाइटें कराची दुबई जा रही हैं, इसी तरह PIE भी चला रही है, इसी तरह दूसरी एयरलाइन भी चला रही है, तो एक डेस्टिनेशन के लिए मोर देन 4 फ्लाइट्स, जबकि हमने अपने ज़माने में देखा कि हफ्ते में एक बार फ्लाइट हुआ करती थी। तो ज़ाहिर बात है कि पॉपुलेशन बढ़ी है, फ्लाइट भी ज़्यादा हुई हैं और रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, साल में एक बार या 2 साल या 3 साल में एक बार गए, लेकिन अब तो हर सीजन में जो है ना पब्लिक जो है ना अपने वेकेशंस मनाती है या कंपनी जो है ना अपने बिजनेस विजिट के लिए जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कहीं इनका जो है ना बजट कट डाउन हुआ है, लेकिन कम नहीं हुआ और ये ग्रो कर रही। पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है मरी और इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं ये। इसके अलावा बिंग मुस्लिम हम जो है ना ज़्यादातर पहले तो यही कहेंगे कि मक्का और मदीना, इसके बाद हम दुनिया पूरी, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है हर चीज़ देखने के लिए, हर जगह देखने के लिए। खाने में तो जाहिर बात है वैसे तो पाकिस्तानी खाने खाते हैं, लेकिन चाइनीज़ एयरलाइन कतर वेज, बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि ये दोनों हम काउंटर पार्ट हैं, हमारा एक दूसरे के साथ है। जाहिर बात है कि अगर हमने एग्रीमेंट किया तो हम ये चाहेंगे कि जो ना जितनी सक्सेस इनको मिले इतनी ही हमें मिले, और डबल मिले तो डबल मिले हमें, दुआ करेंगे इंशाल्लाह।